अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जैसे मैंने आपके साथ अपने पिछले व्लॉग्स में उमरा वगैरह शेयर किया था उसका व्लॉग, तो अभी मैं आपके साथ यहाँ पर मदीना का व्लॉग शेयर करूँगी। माशाल्लाह से हम लोग खैरियत से मदीना पहुँच गए थे और यहाँ पर आके इतना ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो ये है कि हम लोग शाम के टाइम पहुँचे थे और उसके बाद फिर हम लोग अभी असर के टाइम हम लोग जा रहे थे मस्जिद नबवी की तरफ। तो आप यहाँ पर ये बस हम लोग मस्जिद में दाखिल हो गए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। और बस हम लोग भी अंदर जब गए थे, मतलब मुझे इस तरह लाइव देखकर मस्जिद को इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था यहाँ पर आके। और माशाल्लाह से मस्जिद नबवी बहुत खूबसूरत है। और बस अभी हम लोग देख रहे थे कोई जगह वगैरह के हम लोग बैठे आराम से और नमाज़ें असर अदा करें। तो वहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं वहाँ मर्द हज़रात बैठे हुए थे और बस हम लोग अपनी जगह कोई ढूंढ रहे थे कि हमें भी कोई इस तरह जगह मिल जाए, क्योंकि रश वगैरह काफ़ी ज़्यादा था। तो बस हम लोग अब देख रहे थे अच्छा ये आगे है रोज़ा मुबारक। तो ऐसा है कि यहाँ पर औरतों का जो दाखिला बिल्कुल ममनू है, औरतें नहीं जाती। तो मैंने अपने फादर से कहा था कि ज़ाहिर है मर्द हज़रात डेली यहाँ जाते हैं और सलाम पेश करते हैं, तो मैंने अपने फादर से कहा था कि जब आप चाहें तो एक छोटी सी वीडियो मेरे लिए ज़रूर बनाइएगा ताकि मैं खुद देख सकूँ इस तरह और आप उनको भी दिखा सकूँ। तो अभी यहाँ पर ये सब लोग सलाम पेश कर रहे हैं, तो चले आएँ हम लोग भी मिलकर सलाम पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्ला। अच्छा अभी मैं आपके साथ रियाजु चन्ना की कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी जिस दिन हमारी अपॉइंटमेंट थी। अब जाहिर है रियाजु चन्ना में जाने के लिए आपको पहले नौसुख ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो बस अभी हम लोग फिर उस दिन जा रहे थे यहाँ पर। उस टाइम आप बिलीव नहीं कर सकते, लाइक इतना ज़्यादा अंदर भी रश था और बाहर भी रश था। मतलब थोड़े थोड़े लोगों को वो लोग भेजते हैं, एकदम से सबको नहीं भेजते क्योंकि वो परमिट चेक करते हैं पहले और उसके बाद फिर वो ओके करते हैं। तो बाय चांस उस दिन ऐसा हुआ था कि हमारे से कुछ भी नहीं चेक किया। तो इसी तरह से इतनी ज़्यादा मतलब रश में लोग पहले से मतलब अंदर चले गए। और बस ये जब मैं जा रही थी तो इसके करीब जब मैं आई थी, ये है रियाजुल जन्ना में हम लोग एंटर हो गए थे। तो आपको मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम मुझे किस तरह फीलिंग्स आ रही थी। और फिर यहाँ पर फल अदा किए, दुआएं मांगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यहाँ पर दुरूद पाक पढ़ा। तो बस अल्लाह ताला यही है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि जितनी भी इबादतें दुआएं मैंने मांगी हैं अल्लाह ताला सबकी यहाँ पर कबूल करे। जो लोग यहाँ पर दुआ वगैरह कर रहे थे तो ये सारा इन्होंने रियाजुल जन्ना, ये सब रियाजुल जन्ना है। रियाजुल जन्ना मस्जिद नबी का वो हिस्सा है जो रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिंबर मुस्तफ़ा के दरमियान वाक़िया है। और इसके बारे में हज़रत हसन की हदीस भी यही है कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, इसलिए इसकी बहुत अहमियत है। तो चलिए आज के ब्लॉग में भी ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ब्लॉग के साथ आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।